बोलो बोलो दहेज लेना Myself, Cadet Anshuman Dubey. I am from Saint Xavier Convent School, Kathua. My unit is 1G and Camps Cadet NCC. आज हम ये रैली से निकाल रहे हैं क्योंकि आजकल जो ये रैली आजकल जो हमारे समाज में हो रहा है, आजकल जब शादियां करते हैं तो दहेज मांगते हैं और जो कई माता पिता जो होते हैं दहेज नहीं दे पाते। इस कारण क्या होता है कि कहते वो उनकी शादियां नहीं कर पाते और कहते ना अच्छी तरह से जा पाते हैं, और अगर वो बिना दहेज चले भी जाते हैं तो उनको भी जब वो अगले उनके घर में चल जाते हैं, जो लड़कियाँ चल जाती हैं, तो उनको कहते मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके साथ गलत काम किया जाता है। इस करके हम ये रैली निकाल रहे हैं कि इस दहेज प्रथा को बंद करो और कहते और बिना दहेज के शादी करो जी, और क्या भ्रूण हत्या और भ्रूण हत्या के भी बंद करो। आजकल कहते फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत होता है कहते आजकल के समाज में हो रहा है। मेरा नाम केवल सिंह है, मैं प्रिंसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ से हूँ। आज जो रैली हमने निकाली है, इसका जो मेन है, इसके पीछे जो पर्पज़ है ना, वो ये है कि लोगों में अवेयरनेस फैले, लोगों को पता चले कि ये जो दहेज प्रथा है ये बहुत बुरी चीज़ है। इससे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, जिसकी एक दो लड़की है बेचारा वो स्ट्रेस में ही जी रहा है। इसी के साथ जो दूसरा है इसका हमारा मकसद, वो है फीमेल फीटिसाइड यानी भ्रूण हत्या। बच्चों को पेट में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है, जिसको हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, वो उस पर है कि वो बंद होना चाहिए, वो कम्प्लीटली बंद होना चाहिए। बहुत बड़ा पाप है, इससे ज़मीन पर त्राही त्राही होने वाली है, क्योंकि कुदरत का भी एक कानून होता है। हमारा कानून जो है इतना फूल प्रूफ नहीं है, कुदरत का कानून होता है किसी को मारना बहुत बड़ा पाप है, बच्चे को पेट में मारना सबसे बड़ा पाप है, और फिर लड़कियों को, लड़कियां तो देवी के समान होती हैं, हम इनको दुर्गा दुर्गा के रूप में भी पूजा इनकी पूजा करते हैं। तो मैं कहता हूँ आखिर में कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये समाज से डोरी सिस्टम और फीमेल फीटिसाइड, ये कम्प्लीटली बंद होनी चाहिए, सख्त कानून बने, सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। और अब बातों से नहीं होगा, ये करने से होगा, मैं इतना ही कहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।